संदेश ये पहुंच गया संदेश आपका, आपका संदेश ऊपर तक पहुंच गया, जो संदेश आपको देना था वो ऊपर तक पहुंच गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो कानपुर स्मार्ट सिटी जिसको सरकार कह रही है वहाँ पर सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर रहे हैं लगातार, दर्जनों लोग रोज मर रहे हैं डेंगू से, और 1000 से अधिक लोग मर चुके हैं। आंकड़ा लगभग अंदाजा ये है कि प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिला के ये हालात हो गए। और शहर में प्रदूषण का ये हाल है कि देश में पहले नंबर पर प्रदूषण पहुँच गया है। प्रधानमंत्री जी कानपुर आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक बात का उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि इस शहर का क्या हालात है, इस शहर के लोगों को जीने का हक दीजिए और यहाँ की आबो हवा को सही करने का काम कीजिए, वरना इस शहर के हालात ये हो गए कि इस शहर में लोग रहने लायक नहीं बचा हुआ है। डेंगू से जो हम लोग इसको कह रहे हैं कि इस स्मार्ट सिटी में डेंगू से लोग शहीद हो गए हैं, डेंगू से मरने वालों को शहीदों का दर्जा दे रहे हैं, हम लोग उन शहीदों का श्रद्धांजलि दिए हैं और इसके बाद हम लोग पैदल मार्च करके प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। नहीं मांगे पूरी हुई तो क्या करेंगे हम? कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे और यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक कानपुर को प्रदूषण मुक्त नहीं कर लेंगे हम लोग। इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन, जनहित का आंदोलन है और इस आंदोलन को जनता आगे बढ़ा रही है।